देखिए, हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं, इसीलिए हमने जितने भी एग्जाम थे, जो भी शिकायत आई उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित करी, और नई तिथि घोषित करने के साथ ही परिवहन निगम की बसों में एग्जाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। एग्जाम के शुल्क को नहीं लिया गया है, और नकल अध्यादेश हमने कहा था हम लेकर आएंगे 10 तारीख तक, क्योंकि कैबिनेट होनी थी और कैबिनेट थोड़ा आगे चली गई, हमारे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे सभी मंत्रियों के, तो कैबिनेट न होने के बाद भी हमने उसको विचलन से अनुमोदन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया है, और यह भी तय कर दिया कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है, और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। इसको हमने सबसे सख्त कानून जो हो सकता था वो बनाने का प्रावधान किया है। इसलिए हम छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं, बेटे बेटियां, सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो किसी भी ऐसे उस पर न जाएं कि अन्यथा उनको जो है जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी तैयारियां करें, उन तैयारियों में लग जाएं और सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, निष्पक्ष होंगी। सर, नहीं देखिए, हम किसी भी छात्र या हम छात्राओं का जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम उनके भविष्य का पहले से भी ध्यान रख रहे हैं और आगे भी ध्यान रखेंगे कि उन छात्रों और छात्राओं के साथ किसी प्रकार का भी कोई गलत सरकार नहीं करना चाहती। सरकार तो उनके हित के लिए ही काम करेगी।